भविष्य में क्या बनना चाहिएगा? मेरे को नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर, अच्छा। हमारे साथ और भी बच्चियाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ सबा परवीन एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। और आज जो भी मैं मुकाम हासिल किया है वो सब मेरे शिक्षकों के बदौलत है। और आज का जितना भी प्रोग्राम है हमारे शिक्षकों ने हमारे लिए किया है। और आज जिस भी मुकाम पे हम पहुँचे हैं वो सबका श्रेय हमारे शिक्षकों को ही जाता है। इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है और हम यही चाहेंगे कि हम आगे भी इसी तरह अपना ऊँचा मुकाम हासिल करते हैं। थैंक यू। अभी हमारे साथ रोहतास जिला के नासरीगंज प्रखंड के यहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन, जो नव निर्वाचित चेयरमैन शबनम आरा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो चैनल में मैम आपका स्वागत है। जी, मैं शबनम आरा, नगर पंचायत नासरी नगर अध्यक्ष। जिले के जो कि साक्षरता के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर आता है, अभी हम रोहतास जिले के नासरीगंज में मौजूद हैं। मैं समझता हूं और यहां पर शिक्षा को लेकर के कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जितने भी काबिल छात्र छात्राएं हैं और इसमें रोहतास जिले में दूसरा स्थान आया है। तीन लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिले में दूसरे स्थान पर इस स्कूल का नाम लाई हैं, जिनमें प्रथम स्थान पर अंशिका कुमारी हैं, वंशिका कुमारी जो कक्षा 6 की हैं, और दूसरा जो बच्ची है वो रिधि प्रिया हैं जो कक्षा 6 की, जिनका रैंक है 10 नंबर, और सबा परवीन है जो 9th क्लास की बच्ची है, उनका रैंक नंबर है 10th पोजीशन। और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर सर भी मौजूद हैं और तमाम यहाँ पे जो इस नगर के चेयरमैन और उप सभापति और जिला पार्षद और तमाम यहाँ के शिक्षक गण मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा सभी लोगों से बारी बारी से। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय की मैं शशिभूषण प्रसाद सिंह, इस विद्यालय का प्राचार्य हूँ। मैं 2018 से यहाँ कार्यरत हूँ और मेरा यह प्रयास रहा है हमेशा कि हमारे यहाँ के बच्चे कुछ अच्छा और कुछ नया ढंग से आएँ। और इसका रिजल्ट मैंने पिछले कई वर्षों में देखा है कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो है इंटरनेशनल रैंक में, ओलंपियाड का जो होता है SOEF का एग्ज़ाम, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा रैंक प्राप्त कर चुकी हैं पिछले वर्ष। बिहार बोर्ड में मेरे बच्चे 10वां स्थान प्राप्त किए हैं ऑल ओवर बिहार में दसवां रैंक प्राप्त किए हैं, जो वहां पर लगा हुआ है हमारे ऑफिस के सामने, गुलाम कामिल है ना। उसके बाद जिला प्रखंड स्तर पर भी बच्चियां आई हैं प्रथम द्वितीय स्थान। CBSE बोर्ड का आप देख रहे हैं वहां पर लगा हुआ है बोर्ड हमारे पास, उसमें जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जिस विद्यालय से मैंने दक्ष स्कूल जो है हंसपुरा वहाँ से अपीयर कराया था, लेकिन उस विद्यालय का टॉपर स्टूडेंट हमारे यहाँ का ही छात्र मृणाल सिन्हा रहा, उस विद्यालय का टॉपर छात्र। उसके बाद ये आया, ये क्या कहते हैं, ये रामानुजन मैथ टेस्ट जो है, इसमें तो आप देख ही रहे हैं तीनों बच्चियों का स्वागत हुआ है। और जब जब ऐसा समय आता है, हमारे निदेशक महोदय हैं, इनका हमेशा प्रयास रहता है कि उन बच्चों को सम्मानित किया जाए ताकि अन्य बच्चे भी इससे प्रेरित हों और ये सबक लें कि हमें भी कुछ करना है। जब बच्चों का फ़ोटो लगता है तो बच्चे उत्साहित होते हैं कि मेरा भी फ़ोटो आए बोर्ड में, बैनर में, अखबारों में, ये सबों की चाहत रहती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ के बच्चे दिन दुना रात चौगुना प्रगति करते जा रहे हैं। और मेरी यही अभिलाषा है, कामना है कि और भी इससे भी अच्छा रिजल्ट आए हमारे यहाँ के। भविष्य में सर आपका प्रयास बच्चों के लिए और कितना मतलब प्रदर्शन अच्छा हम प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे डायरेक्टर और हम दिन रात हमेशा इसी पर सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे बच्चों का विकास हो और कैसे हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक दे सकें। जितनी सुविधाएं हो हमारे निदेशक महोदय वो मुहैया करवाते जाते हैं और मैं उसकी व्यवस्था करते रहता हूं। और उम्मीद यही है मेरा कि इस बार जिला में स्थान आया है, अगली बार राज्य में हमारे बच्चे परचम लहराएं, ये उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ यहां पे डायरेक्टर सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। परिचय अपना दे दीजिए। मैं दयानंद प्रसाद, नासरीगंज वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ। और मैं 1997 से मैं शिक्षण संस्था से जुड़ गया, तब से आज तक
मेरे पास दूसरा कोई मैंने विषय नहीं है, सिर्फ शिक्षण संस्था का। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि 3 बीघा ज़मीन हम कहीं खोज रहे हैं, जिससे हमको CBSE से +2 तक एप्लीकेशन लेना मेरा उद्देश्य है। वही एक मेरा सपना है कि 3 बीघा जिस दिन हमको ज़मीन एक जगह हो जाती है, उसमें लगे हुए हैं प्रयास, तो फिर हम CBSE से +2 तक एप्लीकेशन ले लेंगे, ताकि नासिकगंज इस इलाके के छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को जो डेहरी जाने में समय लगता है, जो अधिक खर्चा होता है, जो दाऊनगर जाने में समय लगता है और अधिक खर्चा होता है, उन समय विद्यार्थी के लिए समय बहुत कीमती होता है, उसको बस से आने जाने में तो 3 घंटा तो लग जाता है, माने बर्बाद हो जाता है। और जब लोकल में हम उस तरह की व्यवस्था कर देंगे तो फिर उन बच्चों को 3 घंटा का समय जो कीमती होता है वो बचत होगा, और जो महंगा पड़ता है उसमें भी खर्च में भी कमी आएगी। तो हम अभी उसमें लगे हुए हैं, उसी को बस मेरा सपना है कि हम 3 बीघा ज़मीन जिस दिन हो तो एप्लीकेशन हमको CBSE से +2 तक मिल जाएगा, उसी प्रयास में मेरा अभी समय लग रहा है। चलिए मैं और यहाँ जो प्रतिनिधि हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। परिचय अपना दीजिए। मैं अनिल सिंह, पूर्वी जिला पार्षद नासरीगंज। सर, जैसा कि ये जो इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है और इसमें ये जो बच्चियां हैं उन्हें सम्मानित किया गया है, तो किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है आपको? देखिए, खुशी तो बच्चों के विकास में गार्जियन को सदैव होती है। इस खुशी को बढ़ाने के प्रयास में ज़्यादा खुशी है हम लोगों, किसी और बढ़ाएं। मैं इस विद्यालय परिवार को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। मैं अभी नासरीगंज में जितना बढ़िया सोच, समझ और मेहनत की जा रही है इस विद्यालय में, निश्चित तौर पर आने वाले कल में इसका लेवल बहुत ऊपर जाएगा। जैसा कि डायरेक्टर साहब अभी बोले, पूर्व में भी बोलने के क्रम में कृष्णा सर बोले, CBSE विदाउट इंग्लिश हम राइज नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित CBSE विदाउट इंग्लिश राइज नहीं कर सकते हैं, ये बेस है। क्योंकि हम भोजपुरी इंग्लैंड में थोड़ी बोलेंगे, यहाँ से बंगाल चले जाइए 550 किलोमीटर में, आपको एक जगह हिंदी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। भोजपुरी का बात तो बहुत दूर है, या तो बंगाली होगा या इंग्लिश होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, जो भी अभिभावक हैं, निश्चित तौर पर एजुकेशन बच्चों को अगर देना चाहते हैं आने वाले कल के लिए, तो आप निश्चित बेस ऑफ इंग्लिश में दीजिए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ रोहतास जिला के नासरीगंज प्रखंड के यहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन, जो नव निर्वाचित चेयरमैन शबनम आरा जी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो चैनल में मैम आपका स्वागत है। जी, मैं शबनम आरा, नगर पंचायत नासरीगंज नगर अध्यक्ष। मेरा भाई का इंतकाल हो गया 4 दिन पहले। एक ही भाई था मेरा, बहुत सीरियस मैटर में यहाँ पे आई हूँ, इसके आगे हम कुछ नहीं करना चाहते। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस दुख की घड़ी में मैं आगे आपसे कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पे इस स्कूल की 3 बच्चियाँ हैं, जो कि 4th और 10th रैंक, और दूसरी बच्ची भी जो है 10th रैंक, और तीसरी बच्ची भी 10th रैंक, और पहली बच्ची जो है 4th रैंक लाई है। किसका 4th रैंक आया है? 4th, 10th और 10th। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ वंशिका कुमारी। आज मुकाम हासिल किया है शिक्षा में, तो इसमें शिक्षकों का कितना योगदान रहा? बहुत ज़्यादा रहा, खास करके चंदन सर और धीरेंद्र सर का। आगे भविष्य में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिएगा, मतलब कितना मेहनत करके और क्या मुकाम हासिल? बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुकाम हासिल कर, मतलब भविष्य में क्या बनना चाहिएगा? मेरे को नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर। हमारे साथ और भी बच्चियाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ सबा परवीन एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। और आज जो भी मैं मुकाम हासिल किया है वो सब मेरे शिक्षकों के बदौलत है, और आज का जितना भी प्रोग्राम है हमारे शिक्षकों ने हमारे लिए किया है, और आज जिस भी मुकाम पे हम पहुँचे हैं वो सबका श्रेय हमारे शिक्षकों को ही जाता है। इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, और हम यही चाहेंगे कि हम आगे भी इसी तरह अपना ऊँचा मुकाम हासिल करते हैं। थैंक यू। भविष्य में आप क्या बनना चाहिए? भविष्य में हम एक IITian बनना चाहते हैं। जी, देखिए, कहा जाता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा जितना उतना ही दहाड़ेगा। हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है, मैं इनसे भी परिचय जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रिद्धि प्रिया एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6।
आज इस प्रकार से सम्मानित आपको किया गया है, कैसा खुशी महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, और ये सब चंदन सर और धीरेंद्र सर से हुआ है। इसका श्रेय किनको देना चाहिए? चंदन सर को। अच्छा, इसमें आपके माता पिता का सहयोग कितना रहा? मेरे माता पिता का सहयोग रहा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग, आप देख रहे थे नासरीगंज के संत रामकृष्ण विद्या निकेतन स्कूल से। ये कमेंट के जरिए बताइएगा कि हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसा लगा। जय हिंद।